जी, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, ये बेसिकली रिएक्शन जो है, रिमर टाइमन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और ये बेसिकली फिनोल के रिएक्शंस हैं दोनों। ठीक है, तो हमारे पास अगर फिनोल होगा और उसके ऊपर अगर कार्बोक्सिलेशन का बोला जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगाएंगे, अगर फॉर्मलेशन का बोला जाएगा तो सी एच ओ ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो ये फिनोल के रिएक्शंस हैं, ये बेंजीन के रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें, तो अगर फॉर्मलेशन देखें कि फॉर्मलेशन ऑफ फिनोल क्या है, तो इसमें वन लाइनर इसका क्या होगा कि आप फिनोल लेंगे, फिनोल ओ एच बेंजीन के ऊपर लगा होता है, जब आप इसमें के ओ एच ऐड करते हैं और साथ में आप सी एच सी एल थ्री ऐड करते हैं यानी कि क्लोरोफॉर्म, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, फिनोल के ऊपर फार्माइल ग्रुप आ जाता है यानी कि सी एच ओ ग्रुप आ जाता है, ये सी एच ओ आ जाएगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनती है और वो पैरा प्रोडक्ट होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस एम ग्रुप है ये, तो ये आर्थो पे भी चीज़ों को लाना पसंद करता है यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को, और पैरा पे भी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दैट्स वाई एक सी एच ओ को आर्थो पे जोड़ा गया है और एक को पैरा के ऊपर जोड़ा गया है। ठीक है, मैकेनिज्म इन दोनों में से ही किसी का भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली मेजर होता है और ये माइनर होता है, लेकिन ये क्लासिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, और इसका नाम अगर देखा जाए, इसको सैलिस एल्डिहाइड बोला जाता है, सैलिस एल्डिहाइड, अगर इनको बोलेंगे तो इसको आर्थो प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको पैरा प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है वो आप देखें, सबसे पहले हम लोग क्या बनवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनवाते हैं, तो क्या होता है कि अगर सी एच सी एल सी एल सी एल ये क्लोरोफॉर्म है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और बेस जो है ये ओ एच नेगेटिव आयंस जो हैं ये इस प्रोटॉन को ले जाते हैं वाटर की फॉर्म में निकाल देते हैं, तो माइनस एच टू हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सी एल सी एल और सी एल। अब ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन पे बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन चलता है, तो अब इसको लीव करना पड़ेगा, यहाँ से देखा गया है कि क्लोराइड आयन निकल जाता है, तो आपके पास बनता है सी, यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल सी एल सी एल बनता है, और ये आपके पास एक खास तरह का इंटरमीडिएट है जिसको बोला जाता है डाई क्लोरो कार्बीन, डाई क्लोरो कार्बीन बोला जाता है, और समटाइम इसको डी सी सी भी लिखा जाता है, डाई क्लोरो कार्बिन, ना ये कार्बोकेटाइन है ना ये एनायन है, बल्कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करता है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अब ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है और पिछले रिएक्शंस के अंदर आप बेंजीन के ऊपर लगाना सीख चुके हैं, तो अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका बेंजीन की तरह का ही होगा फिनोल, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन शो कर लें, इसका एरोमेटिक सिस्टम भी शो कर लें। अब जब इसके पास ये आएगा सी एल और सी एल यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये पोलराइज इस तरफ होंगे और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कर लेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, फिनोल का सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सी सी एल और सी एल बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाता है। अब क्योंकि आपने मीडियम बेसिक ले रखा है, जब आपने मीडियम बेसिक ले रखा है तो ये क्या बनेगा कि ओ नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि फिनोल एक एसिड है और बेसिक मीडियम स्टेबल नहीं, तो ये ओ नेगेटिव हो सकता है, इसको ओ एच भी रहने देते हैं कई कई बार, ये इस तरह लिखेंगे हम लोग, और ये ओ एच जो होगा ये इस प्रोटॉन को ले जाएगा और ये बैक बॉन्ड बनवा देगा, तो एरोमेटिक सिस्टम दोबारा आ जाएगा, और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी एल और सी एल है, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो क्लोराइड आयन भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के नतीजे में एक ओ एच अटैक करेगा कार्बन पे, क्लोरीन पहला बाहर, फिर दूसरा करेगा
तो फिर दूसरा क्लोरीन बाहर, तो आपके पास ये बनेगा प्रोडक्ट कि फेन ऑक्साइड आयन के ऊपर आपने यहाँ पे OH लगा लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के आई है, तो यहाँ पे C के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे C के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। और क्योंकि आप प्रोटॉन भी मौजूद हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अब क्योंकि एक कार्बन के ऊपर दो एच स्टेबल नहीं है तो वाटर यहाँ से रिमूव होता है, तो यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा तो आपके पास ये O नेगेटिव और उसके बाद कार्बन फिर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो ये देखें आर्थो वाला प्रोडक्ट आपने बना लिया है, आर्थो फार्माइल फिनोल भी बोल सकते हैं या सैलस एल्डिहाइड आर्थो वाला बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप मीडियम को न्यूट्रलाइज करेंगे यानी कि आप एसिड थोड़ा सा मिला दें बेस को ख़त्म करने के लिए, तो ये बेसिकली फिर क्या कर लेगा, बेस अपना प्रोटॉन ले लेगी तो ये OH बन जाएगा, ये CHO है। तो आप इस तरह देखें कि आपने फिनोल से स्टार्ट किया था और फिर आपने फिनोल के ऊपर CHO ग्रुप लगा लिया है। दोबारा देखिए इस मैकेनिज्म को, पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन है, OH यहाँ से प्रोटॉन ले जाती है, CCl3 नेगेटिव बनता है जो कि स्टेबल नहीं है, एक क्लोराइड आयन फायर होता है तो डाइक्लोरोकार्बिन बनती है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन के पास आएगा, इसको सॉरी फिनोल के पास आएगा, फिनोल का आर्थो पोजीशन एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट करवाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, डेट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक वीलैंड इंटरमीडिएट टाइप जैसा बनेगा। फिर क्योंकि मीडियम बेसिक है तो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन दे देगा ये, और उसके बाद यहाँ पे ये इस प्रोटॉन को ले जाएगा और यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम दोबारा आ जाएगा। फिर क्योंकि बेसिक मीडियम मेंटेन है तो यहाँ पे अटैक करके ये दो क्लोराइड को निकाल देगा और ये प्रोटॉन ले लिया होगा इसने, तो डैट्स वाई यहाँ पे CHOHOH, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं है तो आपने इस तरह ये प्रोडक्ट बना ली, ठीक है। तो दोनों तरह की प्रोडक्ट बनती हैं आपके पास, एक आर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। तो हम लोगों ने ये देखा कि फिनोल के ऊपर CHO लगाने के लिए रिमल डायमन का फार्मलेशन यूज़ किया जाता है, जिसको जो रिजेंट्स हैं वो KOH और CHCl3 मौजूद है, ठीक है। कभी कभार रिजेंट और भी लिखे हुए आते हैं, वो भी नोट कर लें। नंबर 1, एक तो CHCl3 हो सकता है प्लस KOH हो सकता है, दूसरा CHBr3 भी हो सकता है प्लस यहाँ पे KOH हो सकता है, ठीक है। ये बेस स्ट्रॉन्गर बेस होती है एज कम्पेयर टू NaOH, ये इसीलिए ली जाती है ताकि ये प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट इजीली कर ले और बेसिक कंडीशन को मेंटेन करे रखे, क्योंकि ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ फिनोल।